और श्री गुरु नानक देवी जी के महाराज जी की जयंती पूरा विश्व में उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। वह इस मौके पर गुरु नानक जयंती डिस्ट्रिक्ट राजौरी के सरानू गुरुद्वारा में बड़े उत्साह से मनाई गई। वह इस मौके पर अलग अलग धर्मों के लोगों ने एक साथ मिलकर लंगर खाया और एकता भाईचारा कायम रखा। ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज के लिए सरबजीत सिंह की रिपोर्ट। का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं तो पहले सब ते पूरे देशवासियों नू गुरु नानक महाराज के प्रकाश पर्व की बहुत ही बधाई देना हाँ। ये सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पर्व है, उन्हों का जन्म दिहाड़ा है, जो एक सिख धर्म की जिन्होंने नीम रखी सी और इस मानवता नू सीधे रस्ते लाने ते उन्होंने पूरे दुनिया विच घूम के यतन किया सी कि ये सुधार होवे। उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने एक सही इंसान नू किरत करनी, धर्म का नाम जपना उस परमात्मा का, यही दसिया कि सही किरत करो और माड़े कमां तों बचो। गुरु नानक देव महाराज ने यही संदेश दिता था। श्री गुरु नानक देव जी के 551 प्रकाश उत्सव पूंछ में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से गुरुद्वारा सिंह सभा पूंछ में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें श्री गुरु नानक देव जी के जेल जीवन शैली पर प्रकाश डाला। इस मौके पर भारी तादाद में बिना भेदभाव लोग मौजूद हैं। इस मौके पर एक विशाल लंगर का भी आयोजन किया गया। ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। समूह पंच निवासी संगतान बिना मजबूत मिलत गुरु नानक पातशाह के प्रकाश पुरब की लख लख बधाई हो। गुरु नानक पातशाह का प्रकाश पुरब सारे विश्व के अंदर मनाया जा रहा है। बेशक डिस्ट्रिक्ट गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ ने भी जो इत्थे दे हालात सन, खास करके जो COVID-19 का जो एक प्रकोप जड़ा है वो सारे विश्व के अंदर चल रहा सी, उन्हां चीज़ां नू मुख रखदे होया, उस गाइडलाइन नू मुख रखदे होया काफ़ी प्रोग्राम जड़े ने वो शार्टकट किए गए। जिथे एक नगर कीर्तन बहुत वड्डे पद्धर ते कढ़िया जांदा सी उस नू जो है फिलहाल पोस्टपोन कर दिता गया। उस दे नाल नाल प्रभात फेरियां जो सवेरे अमृत वेले कढ़िया जांदियां सन उन्हां नू भी पोस्टपोन किया गया। जो गाइडलाइन सी, चाहे मास्क दी सी, सैनिटाइजर दी सी, उस सारिया चीज़ों को समझन का यत्न किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग को मुख रखते हुए सारे गुरुद्वारों के असी बेनती की कि स्थानीय गुरुद्वारों के सारे प्रोग्राम जोड़े ऑर्गनाइज किए जावन। और अज असी डिस्ट्रिक्ट गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के सिंह सभा गुरुद्वारे के अंदर भी ये प्रोग्राम जोड़ा है ऑर्गनाइज किया गया है। समूह मार के संगत पुजिया ने, पर हर जो गाइडलाइन से उसका पूरा यकीन रखा गया। गुरु नानक पातशाह जो साझी वालता का पैगाम, एक पिता एक के हम बारक, ये जो प्रोग्राम से ना को वैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनियाई, इस पैगाम को सारे तक पहुँचाना है। आओ महाराज बख्शिश करन। गुरु नानक पातशाह की फिलासफी, गुरु नानक पातशाह का फलसफा जड़ा है उसको समझ सकी, उसको दुनिया तक पहुँचा सकी। मैं सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। वद कर दिखे मां, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी। तहसील मंडी के फतेहपुर इलेक्ट्रिक स्टेशन में लाइनमैन सरवर खान को बिजली का करंट लगने से उनकी मौके पर मौत हो गई। वहां के मुकाम इन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करते हुए कहा कि लाइनमैन सरवर खान के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका गुजारा करने के लिए कोई साधन नहीं, उनके साथ इंसाफ किया जाए। मैम से और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एमएनडीआरई पुंछ से हमारी ये मोदमाना अपील है कि आज जो हमारा भाई इस दुनिया फानी से कूच कर गया और काफ़ी हमारे साथी इसके पहले भी दुनिया छोड़ गए हैं क्योंकि उनको शाटे लगी और उनकी मौत वाका हो गई, तो उन लोगों के साथ भी इंसाफ नहीं हुआ। तो आज हमारी रिक्वेस्ट है पूरी गवर्नमेंट से कि हमारे इस साथी के साथ इंसाफ होना चाहिए।